नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं DIY बनाना बताऊंगी। तीन DIY आज बताऊंगी, दो फ्लावर पॉट और एक लैम्प। चलिए शुरू करते हैं। पहले DIY के लिए मैं थ्रेड ले लूँगी। कलर है, फैब्रिक कलर है, बलून और फैबिकॉल। पहले DIY में मैं लैम्प बना रही हूँ। सबसे पहले फैबिकॉल और कलर को मिक्स कर लेंगे और उसमें इस थ्रेड को डाल के और थ्रेड को भी कलर कर लेंगे और बलून के चारों तरफ उसको लपेटना शुरू करेंगे। इसको तब तक की लपेटेंगे जब तक कि खूब घना ना हो जाए। फिर 4-6 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। हैंग करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से उसका शेप नहीं बदलता है, और यदि रात में किए हैं तो कहीं प्रॉपर जगह में जहाँ उसको अच्छी हवा लगती रहे। और फिर सूखने के बाद वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और मैंने होल्डर लगा के लाइट भी इसमें लगा दिया और ये हो गया इसका फाइनल लुक।
ये RO से निकला हुआ फ़िल्टर है और इत्तेफाक से ये मुझे आज मिल गया। इसी से मैं दो फ्लावर पॉट बना के दिखाऊंगी आपको। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और आप भी बताइएगा कैसा लग रहा है। यदि आपको ये पसंद आए तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तीसरा DIY भी मेरा फ्लावर पॉट ही है, इसलिए उसको भी साथ साथ पेंट करते जाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं हमेशा नए नए वीडियोस बनाती रहूँगी। ये मेरा तीसरा DIY कंप्लीट है। ये रहे दोनों DIY और ये टोटल वेस्ट से बना हुआ है और बताइए कैसा लग रहा है।